नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। एसओजी सर्विलांस व आसीवन थाना पुलिस की संयुक्त टीम को मिली सफलता। 19 अगस्त को हुई लूट की घटना का एडिशनल एसपी प्रेमचंद ने किया खुलासा। खुलासा, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। आपको बता दें कि 20 अगस्त को शोभित पुत्र रामतेज रावत निवासी ग्राम कोरवा खेड़ा मजराबारी थाना आसीवन द्वारा थाने पर तहरीर दी गई थी कि बीते 19 अगस्त को समय करीब रात्रि 9 बजे मेरी भाभी ज्योतिमा पत्नी रोहित व मेरा भाई रोहित पुत्र रामतेज अपनी मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल ग्राम आवमऊ कोरवा से वापस घर जा रहे थे कि रास्ते में ग्राम सोभानी खेड़ा नाले के आगे ग्राम कोरवा खेड़ा मोड़ के पास 3 अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे भाई रोहित की मोटरसाइकिल के सामने आकर गाड़ी रुकवा कर मेरी भाभी ज्योतिमा का सोने चांदी का जेवर व पर्स सहित रुपए तथा 2 मोबाइल छीन लिया व मेरे भाई रोहित के विरोध करने पर उन्हें ईंट से मारा पीटा तथा थाना आसीवन पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 228/24 धारा 309(6)(BNS) पंजीकृत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा द्वारा लूट की घटना का यथाशीघ्र अनावरण करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें घटनास्थल से अभियुक्त की टी शर्ट, गमछा व बाएं पैर की हवाई चप्पल व घटना में प्रयोग की गई आधी पक्की ईंट को कब्जे में पुलिस में लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद, क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 21 अगस्त बुधवार को थाना आसीवन पुलिस एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा जरवा खेड़ा मोड़ से गोलू उर्फ विकास शुक्ला पुत्र वीरेन निवासी ग्राम कोरारी खुर्द व अंकित उर्फ सियाराम पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम कोरारी कला थाना माखी तथा अमित पुत्र उर्फ छोटू पुत्र विष्णु दयाल निवासी ग्राम खरगोन थाना आसीवन को लूटे गए माल, 1 जोड़ी पायल, 1 मांग टीका पर्स जिसमें 110 रुपए नगद, 1 हाफ पेटी व 1 नाक की नथुनी, 1 जोड़ी कान की झुमकी, 1 नाक की कील, 1 मोबाइल वीवो व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि इन्हीं लोगों ने अन्य जगहों पर भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन थाना आसीवन क्षेत्र में घटना हुई कोड़वा मोड़ के पास में, जिसमें एक दंपति मोटरसाइकिल से जा रहा था, जिसको 3 मधुवासियों ने पैशन प्रो मोटरसाइकिल से आगे बढ़ के रोका और उनसे उनके साथ मारपीट किया। मारपीट करने के बाद जो महिला थी ज्योति, उसने जो है गहने पहन रखे थे, उसके गहने को उतरवा लिया गया चाकू दिखाकर, और उसके बाद उसके पति रोहित को जो है ईंट से मारा गया जिससे वो गिर गया, और फिर उसे मियांगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिली थाना पुलिस आसीवन मौके से जो है थाना मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। इस घटना को खुलासा करने में क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ की सराहनीय भूमिका रही और थाना प्रभारी आसीवन ज्ञानेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक सर्वेश सक्सेना और उनकी टीम, सर्विलांस की राधे श्याम और एसओजी टीम के जेपी यादव और उनकी टीम ने इसको वर्कआउट करने में काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई है। घटना करने वाले अभियुक्त जो हैं, 3 अभियुक्त थे, जिसमें अमित कुमार और छोटू पुत्र विष्णु दयाल निवासी ग्राम करगौरा थाना आसीवन, गोलू और विकास शुक्ला जो निवासी कोरारी खुर्द थाना माखी क्षेत्र का है, और अंकित और सियाराम पुत्र मुन्नीलाल ये भी कोरारी कला थाना माखी क्षेत्र का है। ये तीनों लोगों ने जो है घटना कारित किया था और सीसीटीवी फुटेज भारी थाना जैसा बताया गया स्थान से जो है देखा गया इन लोगों को, मोटरसाइकिल पर नंबर क्लियर नहीं हो पाया था। बाद में इन अभियुक्तों ने जो घटना कारित किया है, क्योंकि अपने मायके से ये महिला राखी बांध कर जा रही थी, तो रास्ते में इन लोगों ने महिला को, उसके पति को
करते हुए देखा था, क्योंकि मालूम महिला ने गहने पहन रखे थे, तो इनके दिमाग में आया कि इसके साथ जो है घटना कारित करके इसको लूट लेना। और वहाँ से पीछे करते हुए कोड़वा कुंड के पास है पहुँचे और रोक कर जो रोहित है इसका महिला पति, उसको सिर में चोट किया, उससे वो गिर गया और महिला चाकू दिखा के उसके गहने उतरवा लिए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की सहायता से और रात में जो संदिग्ध हैं उनको उठाकर लाकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई और इनके गांव के कैलाश नामक व्यक्ति को बुलाया गया तो उसने एक गमछे की पहचान की और एक टी शर्ट जो मौके पर मिला था उसकी पहचान की गई कि ये टी शर्ट फला का है, जिसमें अभियुक्त एक गोलू और विकास शुक्ला का टी शर्ट पाया गया। उस क्लियो के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और फिर पूछताछ जब की गई तो सारा प्रकरण जो है खुल गया और बाकी अभियुक्त अमित के अलावा अमित, अंकित और गोलू इन तीनों को थाना पुलिस आरोपियों ने गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद इनके पास से जो भी लूट की गई थी गहनों की उसकी बरामदगी की गई है। गहनों में एक चांदी की करधन है, एक कील है नाक की, एक जोड़े झुमके हैं और एक मांगटीका की बरामदगी की गई है। ये जो चोरी की मोटरसाइकिल थी पैशन प्रो जो अभियुक्तों के पास थी इसकी बरामदगी की गई है। ये मोटरसाइकिल थाना पारा लखनऊ से चोरी की गई थी और ये हरिओम नाम के व्यक्ति की जांच से जो है पाई गई है। अगर साहब जो पकड़े गए लोग हैं जो अपराधी पकड़े गए लुटेरे उनके ऊपर क्या विभिन्न अन्य थानों में भी मुकदमे दर्ज है या आपराधिक इतिहास क्या है? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है जो अभियुक्त अमित कुमार है इसके खिलाफ। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।